आए दिन हम फूड ऑर्डर फूड डिलीवरी साइट्स पर ही बुक कर देते हैं। इससे हमें घर बैठे बैठे खाना उपलब्ध हो जाता है और हम खुश भी हो जाते हैं। कभी कभी हमारा मन बदलता है तो हम किए हुए ऑर्डर को भी कैंसिल कर देते हैं। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई वजहों से हम ऐसा करते रहते हैं। लेकिन बुधवार को एक ऐसे ही कैंसिल का मामला पूरे देश में एक बड़ा मामला बन गया। बता दें कि एक आदमी ने सिर्फ इसलिए अपना डिलीवरी कैंसिल कर दिया क्योंकि उस ऑर्डर की डिलीवरी एक गैर हिंदू लड़का करने वाला था। जोमैटो से अमित शुक्ला नाम के शख्स ने खाना ऑर्डर किया और ये पता चलने पर कि इस फूड को किसी गैर हिंदू ने डिलीवर करना है तो उन्होंने ये कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पैसे वापस करने की मांग करते हुए ट्वीट भी किया। जबकि ये ट्वीट करके ये मामला सामने आया और तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। यहाँ तक कि राजनीतिक चेहरे भी इस मामले पर बोलने लगे। उस आदमी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि जोमैटो पर खाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्होंने एक गैर हिंदू को ऑर्डर देने के लिए भेजा था। कंपनी ने कहा कि वो डिलीवरी करने वाले शख्स को बदल नहीं सकते। उसके साथ ही ऑर्डर कैंसिल करने पर मुझे रिफंड भी वापस नहीं दिया जा सकता। वहीं जोमैटो ने भी इस पर एक अच्छा ट्वीट करते हुए सबका दिल जीत लिया था। अब एक मीडिया संस्थान से इस पर बात करते हुए जबलपुर के अमित शुक्ला ने कहा है कि संविधान ने सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी है। सावन का महीना चल रहा है इसलिए मैंने डिलीवरी बॉय को बदलने का अनुरोध किया और मैं अब से जोमैटो से कुछ भी ऑर्डर नहीं करूँगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं भुगतान कर रहा था तो मेरा अधिकार था कि इसे मैं कैंसिल कर सकूँ। मैंने ऑर्डर किया और उन्होंने एक गैर हिंदू बॉय को भेजा। जब मैंने डिलीवरी बॉय को बदलने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मुझे उनसे ऑर्डर को कैंसिल करने को कहना पड़ा। उन्होंने बताया कि मैंने ये सिर्फ एक साधारण ट्वीट किया था, मेरे ट्वीट में कुछ भी धार्मिक मामला नहीं था, लेकिन ट्विटर पर इसे एक धार्मिक एंगल दिया गया। बता दें कि हिंदू डिलीवरी लड़के के लिए पूछने पर अमित की आलोचना की गई और कई लोगों ने जोमैटो को अमित को ब्लॉक करने के लिए भी कहा। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।